कहाँ गई दुल्हन? शादी वाले घर में खूब चहल पहल नजर आ रही थी। कहीं मंगल गीत गाए जा रहे थे तो कहीं भाग भाग कर शादी तैयारियां हो रही थी। सभी की कोशिश थी कि बारात के आने से पहले सारे कामकाज निपटा लिए जाए। दुल्हन अपने कमरे में नहीं है, घर छान मारा पर नीलू कहीं नहीं मिली। नीलू की बुआ ने आकर ऊंची आवाज में सूचना दी तो वहां मौजूद लोगों ने होश उड़ गए। न जाने नीलू अचानक कहाँ चली गई। यह सवाल सभी के मन में कौंध गया। कहीं उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा था। हमें तो लगता है अपने प्रेमी के साथ भाग गई। बेचारे नीलू के मम्मी पापा तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जितने मुंह उतनी बातें। तभी दरवाजे पर एक स्कूटी आकर रुकी। अरे नीलू, तू बिना बताए कहाँ चली गई थी? हम लोग तो तुझे अपने कमरे में न पाकर डर ही गए थे। स्कूटी पे उतर कर नीलू को आते देख उसकी माँ ने पूछा, माँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी किसी के साथ नहीं गई, बल्कि वोट डालने पोलिंग बूथ तक गई थी। बालिक होने के बाद मेरा यह पहला चुनाव था, फिर भला मैं मतदान करने से कैसे रुक सकती थी? माँ की बात सुनकर नीलू ने अपनी अंगुली पर लगा स्याही का निशान दिखाते हुए उत्तर दिया तो माँ ने उसे गले लगा लिया। जय हिंद, जय भारत।